for latest Bollywood gossips, subscribe to our channel. To get our videos, first hit the bell icon and get notified for every video. Namaskar, sat sri akal, aadab dosto. Kaise hain aap sab? Aap log dekh rahe hain Movies Adda aur main hu aapka filmy host Amarpreet. Guys, aaj hum baat karne wale hain. Actually baat nahi karne wale hain, aap logo ko hum kuch cheeze dikhane wale hain. Hamare Salman Khan bhaijaan jo hai, aap wo jaane jaate hain apni wittiness ke liye, jab wo apni screen presence ke liye, unki screen presence kaha jata hai, itni zabardast hai ki matlab bhaiya screen pe aaye aur seatiyan bajna chalu. Aur jab bhi hamare Salman bhaijaan किसी भी प्रमोशनल इवेंट्स में जाते हैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, किसी भी इवेंट में, किसी भी रियलिटी शो में अपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए जाते हैं, तो उनका अंदाज़ जो है वो बिल्कुल ही अलग होता है. आप सभी देख चुके होंगे, बहुत बारी चीज़ें वायरल भी हुई हैं. सो अब हमने क्या किया कि हमने इस सबका एक कॉम्पाइलेशन बनाया. सो दिस इज़ एक्चुअली अ ट्रीट टू सलमान खान फैंस कि उनके 5 बेस्ट फनी मोमेंट्स जो हमें लगे, शायद आपके लिए वो डिफरेंट हो, अगर वो आपके पास है सो आप वो हमसे शेयर करेंगे इस वीडियो में कॉमेंट सेक्शन में. हमारे लिए जो सलमान भाईजान के टॉप 5 मोमेंट्स हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, और हम ये आपसे लिए इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आप लोगों ने, सलमान खान फैंस स्पेशली ने, हमें हमारे सलमान भाई के वीडियोस पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है. इस तरीके से प्यार मूवीज अड्डा और बीइंग फिल्मी बनाते रहे, और ऐसी जो ट्रीट है हम आपके लिए लाते रहेंगे, ऐसी कॉम्पाइलेशन सलमान भाईजान की हम आपके लाते रहेंगे. सो हियर वी आर, टॉप 5 मोमेंट्स, टॉप 5 फनी मोमेंट्स ऑफ सलमान भाईजान एट प्रमोशनल इवेंट्स. स्टार बनता है एटीट्यूड से, एटीट्यूड पता है ना आप लोगों को. सो गाइस, सलमान भाईजान का एक अलग ही एटीट्यूड है जिसके लिए वो जाने जाते हैं. आईफा अवार्ड्स में 2016 में पहली बार वो आईफा के साथ जुड़े थे. उस अवार्ड सेरेमनी में उन्होंने किस तरीके से वीडियो आपके लिए, वीडियो देखिए. सबास विराफ आईफा, आप लोगों के बारे में क्या बोलूं मैं, आई लव यू टू. कभी कभी काफ़ी समय से ये आईफा और मेरी कुंडली बन नहीं रही थी. आई केप्ट ऑन मिसिंग इट. आई थिंक वो 3-4 ईयर्स आई मिस्ड इट, एंड आई एम गोइंग दिस ईयर, गोइंग टू हैव अ गुड टाइम, सी मैड्रिड एंड spread lots and lots of love and come back. Thank you. Salman, please, one second. Meet Brothers, come here, Meet Brothers. Salman, there's a small surprise that the Meet Brothers have for you. Aja, give it up for both the brothers as well. Salman, can I request you to please come on stage as well? Bhaiyo? Hello, excuse me. Bhai, short dena hai. The girlfriend se baat kar raha hai kya? कहाँ गर्लफ्रेंड यार, हमारे भाईजान को अभी तक गर्लफ्रेंड मिली नहीं, मतलब गर्लफ्रेंड ने अभी तक शादी हुई नहीं, अभी तक बैचलर है वो, हमें कहाँ से गर्लफ्रेंड मिलेगी यार. सो गाइज, ये जो दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं अब सुल्तान मूवी के सेट पर, अब उनसे किसी ने पूछ दिया, अब सुल्तान मूवी का आप लोगों को डायलॉग याद है कि रेसलर शादी करेगा रेसलर से, ये शादी करेगा उससे, एक्टर शादी करेगा एक्टर से. सो आप लोग पूछ रहे, रिपोर्टर का सवाल किस तरफ इशारा कर रहा था आप लोग समझ रहे होंगे. तो सलमान भाईजान ने अपने बेटी अंदाज में, सलमान भाईजान ने बोला, बस तुम लोग यही सवाल पूछने के लिए आते हो. और किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया ये इस वीडियो में देखेंगे. देख लीजिए भाईजान को क्या जवाब दिया उन्होंने. सलमान, अनुष्का, आप दोनों से सवाल है. इस ट्रेलर में एक डायलॉग है कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से और रेसलर की रेसलर से, तो फिल्म स्टार की शादी किससे? आप कितना इत्तेफाक दिस वाज द लास्ट सवाल. एक सबको पता चलता है कि एक सवाल पूछो लास्ट वाला जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है. चलो मैडम, लेट्स गो. थैंक यू, धन्यवाद. सुपर्ब गाइस, लव यू ऑल. थैंक यू, बाय, सी यू, बाय बाय. तो गाइस, तीसरी बात जो है, सारी बातें एक्सक्लूसिवली ऑन, नहीं सॉरी, मोमेंट ही कुछ ऐसा है गाइस, तो मैं वहाँ पे फ्लो हो गया. सो अब हमारे भाईजान जब दबंग टूर जो पुणे में होने वाला था उसके प्रमोशन पे गए थे, जब उनसे पूछा गया कि करण जौहर भी शायद कुछ ऐसा ही टूर करने वाले हैं, तो उन पर उनका बड़ा ही फनी सा रिप्लाई था, ये मेरा फेवरेट है. सो आप लोग ये वाला क्लिप ज़रूर देखें, ये उनका थर्ड बेस्ट फनी मोमेंट. सलमान, ये एक ट्रेंड बन रहा है बिकॉज करण ऑल्सो हैज अ टूर एंड यू गो टू लाइक दे गो टू करण जौहर, ही ऑल्सो हैज अ टूर वेयर ही इज गोइंग टू डिफरेंट कंट्री. सो इज इट लाइक या द ड्रीम्स टू द ड्रीम, सो कैटरीना हैज बीन अ पार्ट ऑफ इट वेयर यू द आलिया एंड एवरीवन गो करण जौहर ओह ओके. सो लाइक व्हाट इज द, आई वांट टू नो व्हाट इज द आईडिया लाइक बिहाइंड दिस, लाइक यू गो
every country and perform. What is the idea behind the tour? No, I don't understand what Karan Johar is doing. I mean, I know what he's doing, but... He has also done a tour. He has done a Dreams concerts in different countries with the crew. He's done that? Oh, yeah. No, that was Karan's show. No, that was not Karan's show. That was, again, a world tour. Most of the time it's referred to as a world tour. That was called the Dream Team. So that was a big group of us. There was Karan, there was Siddharth, there was Varun, there was Alia, there was myself, and Adi. So that was one tour, Mr. which Karan was there. So Karan was hosting it. Is that what Manish is doing? Yeah, he was hosting the show. What Manish is doing here is what Karan was doing there. The star of that show was Katrina. So how different is your tour from your tour? Very different. कुछ बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो हॉलीवुड गए हैं, हॉलीवुड जाने की इच्छा रखते हैं, बहुत सारे जाके वहाँ पे हिट हुए हैं, सुपर हिट हुए हैं और बहुत सारे वहाँ पे जाके वापस भी आए हैं। सो गाइज, जब सलमान खान से पूछा गया कि वो हॉलीवुड में जाना चाहते हैं, उनको ऑफर्स आए हैं नहीं आए हैं, तो उनका कुछ ऐसा जवाब था, देखिए आप लोग क्लिप में। यहीं पर अच्छा है, बहुत अच्छा है यहाँ पर, वहाँ पर टाइमिंग में भी नहीं जमेंगे। नहीं, यहाँ पर मुझे हिंदुस्तान में काम करना बहुत अच्छा लगता है और हिंदी में डायलॉग बोलना बहुत अच्छा लगता है। सडनली इतने साल हिंदी में डायलॉग बोलने के बाद अंग्रेजी में बोलेंगे तो थोड़ा सा वेट लगेगा मुझ पर, तो आई एम वेरी हैप्पी हियर। वो बहुत काम करते हैं, हमको यहाँ पर इतना काम नहीं करना पड़ता है, वहाँ पर जाके इज्जत बनानी पड़ेगी फिर से, यू नो, यहाँ पर ऑलरेडी जब इतनी इज्जत मिल रही है तो काहे को उसको धिक्कार है, उसको इज्जत के लिए काम करते हैं, रिस्पेक्ट के लिए काम करते हैं। अब इतना साल लगा यहाँ पर इज्जत कमाने में तो उसको क्यों, आई डोंट सी एनी पॉइंट टू। मेरा ये है कि ये जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इतनी बढ़ जानी चाहिए कि हमको उनकी जरूरत, वो कंपैरिजन ही नहीं होना चाहिए, ये चाहिए हमको। ए भाई, क्या देख रहे हो फोन पे? यार पिछली वीडियो में बहुत गालियां पड़ी यार मेरे को। ओह, सल्लू भाई की जैसे आपके भी हेटर्स होने लग गए। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, जब लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करने लग जाएं या लोग तुम्हारे बारे में बात करने लग जाएं, समझ लो काका तरक्की कर रहे हो। सो गाइस, अब हेटर्स तो सभी के होते हैं, अब सलमान भाई इतने बड़े स्टार हैं, उसके भी बहुत सारे हेटर्स हैं, ठीक है। सो उनके हेटर्स के लिए उनके पास एक रिप्लाई था, खतरनाक रिप्लाई था। अब फिल्म प्रेम रतन धन पायो के प्रमोशनल सेट पे वो गए थे और उनसे पूछा गया कि हेटर्स जो हैं, जो उनको फिल्म पसंद नहीं आई या उनकी फिल्म पसंद नहीं आती है, उसके लिए क्या जवाब है? सलमान भाई की मुंहजुबानी सुन लो आप लोग। क्या पूछा आपने? कुछ लोगों को थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है मूवी से, मिक्स रिव्यूज भी मिले हैं, तो इसके बारे में आप दोनों को क्या कहना है? सर वो तो होगा सर, वो कुछ लोगों को आप अच्छे लगोगे, कुछ लोगों को आप अच्छे नहीं लगोगे, यू नो, कुछ लोगों का आपको आपका ये सवाल अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा। तो हमको इस वक्त आपने ये सवाल पूछा, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बट हर एक की ओपिनियन है एंड वो ओपिनियन हम रिस्पेक्ट करते हैं। जिन जिन को ये फिल्म थोड़ी सी कमज़ोर लगी है, ऑफ कैमरा कुछ और बोलूँगा और ऑन कैमरा कुछ और बोलूँगा उनके लिए। तो कह रहे, कुछ समझे, कुछ सीख है, कैसे भाईजान बात करते हैं, कॉन्फिडेंस किसको बोलते हैं। सो गाइज, स्टारडम इतना बड़ा है उनका, किसी भी प्रमोशनल इवेंट में जाते हैं तो वहाँ पे वो अपना छा जाते हैं। सो ये कॉन्फिडेंस की बात है, ये उनका स्टारडम है और इसीलिए हम भाईजान को इतना प्यार करते हैं, आप सभी इतना प्यार करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बॉलीवुड की डेली अपडेट्स, न्यूज़ के लिए मूवीज अड्डा और बीइंग फिल्मी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट खूब सारा, एंड सी यू अगेन।